11 उपचुनाव में 8 अपने पक्ष में आया है और 3 सीटें अपने पक्ष में नहीं आई है। मैं उत्तर प्रदेश के सभी गांव गरीब किसान, शोषित वंचित पिछड़ा दलित गांव गरीब किसान, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान, आदिवासी बनवासी गिरवासी और समाज के सभी वर्गों का जो राष्ट्रवाद के लिए वोटिंग किया, विकास के लिए वोटिंग किया, सबका साथ सबका विकास के लिए जो वोटिंग किया है, माननीय योगी जी के विश्वास में, माननीय मोदी जी के विश्वास में, मैं व्रत लेता हूं कि संगठन और सरकार दोनों मिलकर जनता की सेवा करेंगे, जनता के लिए समर्पित रहेंगे, आम जनमानस के चरणों में रहकर ये विकास की गंगा हम लोग बहाएंगे और सेवा करने का व्रत है और हम लोग सेवा करेंगे। जो भी सरकार की योजना है वो गांव तक ले जाएंगे। इस जीत के लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और कार्यकर्ताओं ने जो भी परिश्रम की पराकाष्ठा किया है उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। सर, जो प्रियंका गांधी जी लगातार आरोप लगा रही हैं, कांग्रेस पार्टी आज चुनाव आयोग में गई थी मिलने के लिए, उनका ये कहना है कि शासन प्रशासन और चुनाव आयोग की मिली भगत से देखिए, सपा बसपा को आपने देखा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी सत्ता का दुरुपयोग और उपयोग नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देवतुल्य हैं और कार्यकर्ता ईमानदारी से परिश्रम करता है अपने विचारधारा के लिए और जनता की सेवा करने के लिए, और कार्यकर्ता ईमानदारी से करता है और परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। वो कार्यकर्ताओं की बदौलत ही मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ। हम न किसी सरकार का हम लोग उपयोग करते हैं न उसका दुरुपयोग करते हैं, ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ते हैं और जनता की विश्वास के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और जनता के आशीर्वाद के लिए चुनाव लड़ते हैं। और आम जनमानस ने जो आशीर्वाद दिया है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। मैं कभी भी हम लोग गलत तरीके से कोई जीत दर्ज नहीं करते ना कोई हम उपयोग करते हैं सत्ता का, और ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ते हैं और ईमानदारी के साथ जनता का विश्वास अर्जित करते हैं और कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा कर उसी के आधार पर चुनाव जीते हैं।